नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद नेक्स्ट सुपर पावर बने, वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं, हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तजारत करता है, तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज हैं ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखें पहले के बने हुए, अब न्यू नहीं बन रहे, वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने, जैसे अभी सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका भी उसका कोई मकसद होगा, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा तुर्की में, जब आपको पता है अर्थक्विक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मफाद थे इंडिया को? माशरे के अंदर अपनी कौम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता, इंडिया दूसरे मुल्कों की सॉरी गुड बुक में है। ये दो ही बातें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक उनकी जो मैन पावर है वो सस्ती है पाकिस्तान के निस्बत। रहा मुसलमान होने की हैसियत से, तो हमारी मुसलमानी या मुसलमान दूसरे हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनाकाद किया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? आफरीन। आफरीन क्या करते हैं आप? लॉ स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। आफरीन, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताना चाहूंगी, शायद आपने पहले सुनी भी हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो दो रोजा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहां तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को एहलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को ख़ास तौर पे, क्यों आए मोदी साहब आएँ उनका वेलकम किया जाए, क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पर। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है, और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है, आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पर बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं, मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद नेक्स्ट सुपर पावर बने, वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए, मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत के शहर तक हमारे मुल्क को रहना, मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है
तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन, और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। एक तो इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल की, इसराइल वो स्टेट नहीं है, वो टेररिस्ट है, और वो लोग आए दिन इंडिया, ट्विटर आप खोल लें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं, इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का, और ये हमारे दुश्मन है, इंडिया भी हमारा दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कि मेरी बात सुने आफरीन, इंडिया के साथ दुश्मनी तो हमने खुद साख्ता पाली हुई है ना कश्मीर के नाम पर, लेकिन आप मुझे बताएं कि 70 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने सिर्फ नारेबाजी करने के कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को एक प्रोटेस्ट करने के, हमने आज तक आफरीन कश्मीर के लिए कुछ किया है तो बताएं आप मुझे। इंडिया कश्मीर को अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया उसके ऊपर काबिज़ है, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह इंडिया जो है कश्मीर को ऑन करता है, और कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ ही रहने पर खुश हैं। तो देखिए, हमने ये दुश्मनी खुद साख्ता इंडिया के साथ पाली है, कश्मीर के अलावा हमारा इंडिया के साथ और कोई मसला नहीं है, लेकिन आज आप अपने मुंह से एक पाकिस्तानी होकर कह रही हैं यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर कि इंडिया आने वाले कुछ दिनों में सुपर पावर बनने वाला है, जितनी डेवलपमेंट उसमें हो गई है। तो जाहिर है यूएई भी अपना फ़ायदा देख रहा है, कतर भी अपना फ़ायदा देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी अपना फ़ायदा देख रहा है, अगर कोई अपना फ़ायदा नहीं देख रहा तो पाकिस्तान है। देखिए, मैंने इस वजह से कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन, कश्मीर का एक बिल्कुल एक अलग मौज़ू, उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। इसराइल और इंडिया का मैंने इसलिए कहा, ये दुश्मन है कि ये फ़लस्तीनी हमारे बहन और भाई हैं, अगर वो उन पर जुल्म करें तो हमारे दुश्मन हुए। दुनियावी मफाद के लिए आप लोग बच्चों की आहें ले रहे हैं। देखिए, सवाल आपसे भी होगा, हमसे भी होगा, हमारी कैपेसिटी है बाइकआउट करना। आप लोग उन बंदों को जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं और उनका आली शान वो फ़लस्तीन उधर भूखे मार रहे हैं, वो लोग हाथ में उन्होंने बर्तन पकड़ा होता है, वो जो खाने वाला है उसको चाट रहे हैं वो लोग, उनके पास कुछ भी नहीं। और ये देखे ना कि गजा के लोगों को जो है इंडिया ने इमदाद भी भिजवाई थी, यहाँ तक कि गजा के लोगों ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया आफरीन उनको। इंडिया बहुत चलाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका भी उसका कोई मकसद होगा, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मफाद थे इंडिया को? तुर्की अभी आपने कहा कतर में भी है, यूएई में भी है, सऊदीया भी जा रहे हैं ये लोग। तो ये मैंने बताया ना, मुफाद जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे रबते हों, पूरी दुनिया के साथ हों, और हम जो है सुपर पावर बन के निकले। लेकिन आफरीन, इस वक्त ना दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ऑलरेडी आप देखें रशिया के साथ जो है वो वेपन्स बना रहा है और उनकी ट्रेड भी हो रही है। अगर हम मिसाइल करें तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको याद होगा, जो एक बार पाकिस्तान में जो है मिस फायर भी हो गया था, इंडिया ने वो रशिया के साथ मिलकर बनाया। आज पूरी दुनिया में इस ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड है। ठीक है, अगर हम कतर की बात करें, ईरान इराक की बात करें, इंडिया हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, हर मुल्क जो है इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कि दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें अमेरिका तक अपने तमाम इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर बिठा के रखा हुआ है। अब आप देख लें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओ कौन है? इंडियंस है ना। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? और आप अब ये देखें कि इंडिया तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनसे मिल रहा है, G20 की मीटिंग हो तो तमाम इस्लामी ममालिक जो है इंडिया में जाते हैं, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा हम तो G5 का भी हिस्सा नहीं है। देखें पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं कि किधर खड़ा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दहाने पर खड़ा हुआ है, तबाही के दहाने पर। क्यों, क्या वजह है? इंडिया तरक्की कर गया, हम इधर रह गए, सिर्फ एक ही वजह, सिर्फ एक, वहाँ पे करप्शन हमसे ज़्यादा है, वहाँ के मिनिस्टर्स हमसे ज़्यादा लूटते हैं। मगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा अ वर्स डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द डिक्टेटरशिप। हमारे मुल्क में इस वक्त मैं हूँ ना, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, मुझे सेफ्टी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे सेफ्टी नहीं है कि मैं घर सेफ जाऊँगी या नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा है बैक पे। ठीक है, बैग पे क्यों लगा है? क्योंकि दुनिया डिक्टेटरशिप को नहीं मानती, दुनिया मानती है डेमोक्रेसी को। जैसे ही उनको पता लग जाए ना भाई इधर डिक्टेटरशिप है, वो ट्रेड बंद कर देते हैं। तो इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया, पीछे से कंट्रोल करेंगे, आगे सियासतदान को बिठाएंगे। देखिए कि पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है 2 से 3 बार मार्शल लॉ लग चुका हुआ है
और अब तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग भी नहीं सकता। जी लग नहीं सकता, इसलिए तो इन्होंने अपनी वो स्ट्रेटजी बदल दी। अब मेरा ये है कि देखें, इस मुल्क को ज़रूरत है मुहब्बे वतन लोगों की, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने मुफाद के लिए दुबई में जज़ीरों के लिए पाकिस्तानी अवाम को जलील मत करें। और आप लोग पाकिस्तानी अवाम को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि डरपोक नहीं हमने बनना, हमने डर को ख़त्म करना है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हम डर के बैठ जाते हैं, और हम इसी वजह से नहीं, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनमें से पता नहीं कौन कौन न्यूटन शायद फेर रहा हो, हमें नहीं पता, मगर बात सिर्फ ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सर आपका नाम? राणा सुहेल। क्या करते हैं सर आप? मैं बस रिटायर जिंदगी गुजार रहा हूँ। रिटायर जिंदगी गुजार। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो दो रोज़ा दौरे पर भारत गए हैं, और वहाँ पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चलाई गई हैं, इवन के तिरंगे की तस्वीरें उनके चलाई गई हैं, और वहाँ पर बड़ा एक ग्रैंड इवेंट का इनाकाद किया गया है ऐलान मोदी के नाम से, जहाँ पर 65,000 इंडियन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इंडिया की जो आबादी है ना, उसको मद्देनजर रखना होगा। जी। पूरी दुनिया में जो मुल्कों के अपने तजारत है, कारोबार हैं, वो ज़्यादातर उन मुल्कों के साथ हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सारे ममालक के अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो ममालक हैं जहाँ आपने अभी बात की है कि उसका बड़ा वो वेलकम हुआ है, तो उसकी बुनियाद ही यही है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी वहाँ प्रोडक्ट और जो भी होता है या वहाँ की जो मैन पावर है वो भी वहाँ कम रेट पे काम करती है। तो इसलिए उनका जो सिलसिला है वो अपनी जगह पे है कि वो बहुत उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जो ताल्लुक इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो इंडिया के साथ है। अच्छा, ऐसा है कि फ़र्क ये है कि हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का एज ए मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। तो जो असल कहानी चलती है ना ये कि जी वो हमें एज ए मुसलमान वो हमें वेलकम करना चाहिए या हमें फोकियत देनी चाहिए, तो वो इसीलिए है कि हम लोग तो अपने मामलात को ही नहीं सीधे कर सके, हमारे मुल्क में जो क्राइसिस है उनको भी काबू नहीं कर सके। हमारे जो बड़े लोग हैं, सियासतदान हैं या जो कुछ भी है, वो अपनी कौम को ही खरीद एक नुकसान, मैं कहूँगा नुकसान ही पहुँचा रहे हैं कि यहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब कुछ है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को कोई इस बात का ख्याल नहीं है। हमारी जो माशरे के अंदर अपनी कौम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता, इंडिया दूसरे मुल्कों की सॉरी गुड बुक में है। ये दो ही बातें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक उनकी जो मैन पावर है वो सस्ती है पाकिस्तान की नस्बत। रहा मुसलमान होने की हैसियत से, तो हमारी मुसलमानी या मुसलमान दूसरे हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं है टोटल, ना मुसलमान। देखिए ना, ये अहमियत, ये इज्जत बनाई जाती है, कमाई जाती है ना, इंडिया ने ये इज्जत बनाई है, ये अहमियत कमाई है। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर यही बदनसीबी है कि हम ना अपनी इज्जत बना सके हैं, ना हम अपना कोई कारोबार स्टैब्लिश कर सके हैं। वो लोग लगे हुए हैं वहाँ, आईटी की देख ले, पूरी दुनिया में उसी डिमांड है, वो लोग मेहनत करते हैं, कौम परस्त हैं, कौम अपनी का ख्याल रखते हैं, और यहाँ लूट मार चलती है। ये बड़ा फ़र्क है। हमें चाहिए कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं जो आने वाले हैं या चले गए हैं, उन्होंने जो करतूतें की हैं
वो आइंदा ना करें बल्कि कौम को देखें, अपने अंदर एक ऐसी गैरत पैदा करें कि हम मुसलमान हैं, अपनी मुसलमानी को शो करें, बताएं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं और हम अपने लोगों के लिए गुर्बत को, बेरोज़गारी को, महंगाई को ये ख़त्म कर दें। लेकिन वो तो अपने धंधे में लगे हुए हैं। अभी हालिया इलेक्शनों में जो कुछ हुआ है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोगों को पता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? चलना चाहिए कि हमें अपने अंदर इज्जत गैरत पैदा करनी चाहिए ताकि हम भी दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हो। आपका नाम? सहर। सहर क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? बीएस मैथ कम्युनिकेशन। जबरदस्त, जर्नलिज्म में आने का प्रोग्राम है, मैथ कम्युनिकेशन कर रही है ना? बिल्कुल। चले, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दो रोजा दौरे पर यूएई पे पहुंच गए हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के अंदर यानी एक स्टेडियम के अंदर जो है एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनाकाद किया गया है जिसमें 65,000 लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65 इंडियन से जो है खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह वो गए हैं, ठीक है, वो अगर गए भी हैं मंदिर की ओपनिंग के लिए गए हैं, ठीक है, अगर मंदिर की ओपनिंग को अगर देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि वो यूएई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर अगर बन रहा है मंदिर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि बेशक वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं लेकिन इस्लामिक मुल्क में ऐसा हो रहा है तो मुझे तो अजीब लग रहा है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाए, जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज़ हैं ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखें, पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बनते, वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। ये अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर नई मस्जिद तो बन रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नए मंदिर नहीं बन रहे। अब यूएई की हम बात कर रहे हैं तो अबू धाबी की आपने बात की तो वहां पर पहला मंदिर बनने जा रहा है, मतलब पहली दफा यूएई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेफिनेटली इफ्तिताह करने ही गए हैं। लेकिन वहां पर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, ये उनका 7वां दौरा है, उनके वेलकम पर क्या कहना चाहेंगे? इतनी मोहब्बत यूएई वालों को इंडिया के साथ? वो मोहब्बत तो इसीलिए है ना क्योंकि देखें ना, वो जैसे अगर बात की जाए दोनों की, अगर यूएई की और इंडिया की बात की जाए तो उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी मिलके काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी मिलके कर रहे हैं, तो जैसा वो अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड करते जाएंगे तो फिर ऐसे उनका फिर वेलकम भी अच्छा होगा। अगर जैसे अगर पाकिस्तान को देखा जाए, यहाँ कुछ भी कुछ करता ही नहीं है तो फिर बाहर वाले फिर क्या इज्जत देंगे? जब मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है तो फिर बाहर कहाँ इज्जत होगी? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट यूएई में मिलनी चाहिए आज वो इंडिया को और इंडियंस को मिल रही है? पिछले दिनों की बात, पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी, आपको पता है ना, पिछले दिनों की बात है, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था, फिर उसके बाद अब देखें तो पाकिस्तानियों के यूएई के लिए वीजाज नहीं लग रहे। जैसे अभी आपने कहा ना कि 950 लोगों को निकाल दिया था, इसका मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में देखें जॉब्स भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं, वो स्टडी करते हैं और उनका बेसिक गोल यही होता है कि डिग्री कंप्लीट करो और बाहर चले जाओ, लेकिन बाहर जाकर उनको लगता है बहुत सुकून है लेकिन बाहर बहुत जलालत है, जो पाकिस्तान में सुकून है वो यहाँ नहीं है। लेकिन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर रही है, ना कोई वो जॉब की कोई स्कीम है, कुछ भी नहीं है। और अगर पॉलिटिशियन भी आते हैं, नवाज शरीफ या इमरान खान, अभी देखें 4 दिन हो गए हैं, अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। देखें यही हमारे लिए बहुत ना नाकामी की बात है कि 4 दिन हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं हो रहा है। ये तो लोगों ने ना अपने दिमागों में तसव्वुर कर लिया कि इमरान खान हमारा है, उन्होंने कहा हमारा नवाज शरीफ है। लेकिन अगर ये देखा जाए ना, ये जिस तरह पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ तरक्की भी कर पाएंगे या वो अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक से अच्छे कर पाएंगे।